मेट्रो से मरेश्मी पांडे। खबर जालौन से है। संदिग्ध अवस्था में चली गोली से महिला की मौत। जालौन में गनशॉट की सनसनीखेज वारदात आई सामने। घर में रखी लाइसेंसी बंदूक की गोली से महिला की हुई मौत। परिजनों ने घरेलू कलह के चलते महिला द्वारा आत्महत्या किए जाने की कही जा रही है बात। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम। निकाय चुनाव के दृष्टिगत लाइसेंसी हथियार जमा करने का नोटिस दिए जाने के बावजूद असलहा लाइसेंसधारी ने नहीं जमा किया था अपना असलहा। एसपी जालौन ईराज राजा ने पूरी घटना के दिए जांच के आदेश। उरई कोतवाली क्षेत्र के गोपालगंज की घटना। बड़ी और अहम खबर जालौन मेट्रो इस वक्त आपको दिखा रखा है जालौन से, जहां जालौन में गनशॉट की एक सनसनी वारदात सामने आई और संदिग्ध अवस्था में चली गोली से महिला की मौत हो गई, जबकि परिजनों ने घरेलू कलह के चलते महिला द्वारा आत्महत्या किए जाने की बात कही है। फिलहाल एसपी जालौन ईराज राजा ने पूरी घटना के जांच के आदेश दे दिए हैं। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट। इस संबंध में हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक पूरा घटनाक्रम जनपद जालौन के उरई कोतवाली सामने आ रहा है, जहाँ पर देर रात एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर ईराज राजा ने हमसे जानकारी साझा की। उसके मुताबिक घर में लाइसेंसी बंदूक से गनशॉट हुआ है, जिससे अधिक रक्त स्राव होने के कारण महिला की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस दोनों विकल्पों हत्या और आत्महत्या दोनों विकल्पों को खुला रख के इस मामले की जांच कर रही है। फॉरेंसिक टीम देर रात मौके पर पहुंची है, साक्ष्य संकलन में जुटी है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर ये खड़ा होता है कि प्रशासनिक नोटिस के बाद भी आखिरकार ये लाइसेंसी शस्त्र जमा क्यों नहीं करवाया गया, कहाँ चूक हुई? देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और आधे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कैमरा पर्सन कपिल कुमार के साथ जालौन से मैं देवेश। अब ये क्या पूरा मामला है, किस तरीके से? एक सूचना प्राप्त हुई है अभी थोड़ी देर पहले कि कस्बा उरई में गोपालगंज मोहल्ला है, वहाँ पर प्रीति यादव नाम की महिला है जिनकी उम्र 45 वर्ष है, अपने घर में ही एक गनशॉट की घटना हुई है, जिसमें उनके लाइसेंसी असला से जो 12 बोर की था उससे गोली चलने की सूचना थी। गोली चलने की सूचना पर यहाँ फील्ड यूनिट एवं सभी लोग पहुँचे। जो महिला हैं प्रीति, उनको इलाज के लिए जब हॉस्पिटल वहाँ भेजा गया तो वहाँ पर उनकी अधिक रक्त बहने के कारण मृत्यु हो गई। घटना के हम सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं कि ये आत्महत्या है अथवा ये घटना किसी के द्वारा कारित की गई है, और सभी घर वाले परिजन घर में मौजूद थे और सभी पहलुओं पर हम लोग जाँच कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी हम घटना के सही कारणों की तफ्तीश करके और सही तथ्य सामने आएंगे। सर क्या कारण रहा होगा? अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, अभी विभिन्न बातें पता चल रही हैं, लेकिन पूछताछ के बाद एवं प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग क्लियर कह पाएंगे कि ये आत्महत्या का मामला है या फिर किसी के द्वारा, किसी परिजन के द्वारा ही घटना कारित की। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।